और अगर इनके मां दे लाल जी ने दम आए हैं तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी अज भी मजबूत है और अगर इनके दम आए हैं तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। जो बीजेपी का प्रेम नाल डोगरा रहिए जा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट होई जा जा कोई जेड़ा जे नीले काले पीले पजामे कुर्ते भाई बंदा दविंदर राणा अरविंदर राणा ये कुछ नहीं है। दो किलो राशन लेके काला मुंह करना है। मेहनत करा दे और उन्हें मैं सारे सुना दे जुच्छी सदक मुंडे लेकिन आखो के मैं कोई इलेक्शन करा देना भी डिस्ट्रिक्ट की पीसीसी की टीम बैठी दी है। मैं सारे ना तह दिल करना इस गोविंद सर की धरती के उपर सारे ना वेलकम करना और योगराज और मुबारकबाद दिना कि जेड़े इन्नी मेहनत करना यह प्रोग्राम कराया और कामयाब रहा। साथियों सारे लोग बोले ना मैं तुम्हें देसी दे गल्लां गै सुनानी हैं जो चार गल्लां सुनानी ने ये बीजेपी गौरमेंट वो बीजेपी गौरमेंट है। असें 400 रुपये का सिलंडर मिलता हा अज अस 1200 रुपये का सिलंडर लैने और ये लोग असेंगी आखते कि अस देशभक्त हाँ कांग्रेसी देशभक्त नहीं हैं। इन्हें साड़िया नौकरियां साड़ा फौजी आदमी जिहड़ा 17 साल नौकरी करता हाँ अगर उसकी मर्जी होंगी अगर करता हाँ नहीं तो रिटायरमेंट ले लैंदा हाँ। ये आखा दे नहीं नहीं असें 4 साल तुसें ही नौकरी करानी है तो उस 4 साल गल लेके सारे साथी बड़े विस्तार कन्नै तुसें दसीता। मैं एक दो गल ही सिर्फ करगा कि अज असी सारे इत्थे अगर कट्ठे होए हैं तो इस वास्ते कट्ठे होए कि जिहड़ा नतीजा जिहड़ा है इस वेले कांग्रेस के हक दे विच होया कांग्रेस जिहड़ी है वह जीती है कर्नाटका दे विच उसकी खुशी मनाने दे विच असी सारे जिन्ने भी लोग है सांझे होइए असी खुशी मनाइए तो क्या बड़ा मजा आता है। दूई गल ये है कि आने वाले जियां चुनाव जड़े न क्या पंचायत दे क्या म्युनिसिपैलिटी दे तो इस तरह कि MLA दे भी आने लेकिन MLA दे हाले लगता नहीं है कांग्रेस को पहले दलित लोगों के व्यवहार होंदा ही और कांग्रेस ने बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की थी और बीजेपी वाले दे टाइम ही तुसीं देखिया कि इन्हें दलित नाल कितना अत्याचार किया और पिछले जो लोग हैं उनके नाल कितना अत्याचार किया। मैं एक सिर्फ निक्की जिही गल तुहानूं आखदा बीजेपी वाले कोलों बचिए रहो नहीं तो इन्हें उही टाइम लियाना जिहड़ा टाइम सिरा पर जुत्तियां रखिए तो लोगों ही जाना पौंदा इन्हें कोलों बचिए रहो ये इन्ने खतरनाक हैं सप्प जिहड़ा ना वह डंगी जाए तो कोई बार बंदा बच सकता लेकिन बीजेपी का डंगे का बंदा जिहड़ा ना वह बच ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और दूई गल यह है कि कांग्रेस के टाइम मिट्टी का तेल खंड पंकज डोगरा जी और ताली कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम और मैं पहले गमीसर आने का सारा शुक्रिया करना और साढ़े सरपंच साहब बैठे जोगराज ने मैं भी शुक्रिया करना और सारे को पहले मैं थोड़े कन्नै गल पुछने जाना अज 1200 रुपये का सिलेंडर होता कुछ ने भराया सच बोलो सारे खड़े हथ करो पहले 1200 रुपये सिलेंडर भराया कुछ ने और कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी ही उस बेले 400 रुपये का सिलेंडर सारे भराया हा सारे खड़े हथ करो पहले सारे भराया हा और इजली पार्टी जी अज आई है बीजेपी इन्हें वोट देने मन करता है नहीं करता बिल्कुल गंदी पार्टी है और नकम्मी पार्टी है लोगों धोखा देने वाली पार्टी है। अज मैं सारे आखना चाहना कांग्रेस पार्टी कन्नै जुड़ो कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है ये गरीब लोगों की पार्टी है ये शोहकारें की पार्टी नहीं है ये शोहकारें अमीर किया बीजेपी ने किया अज भी सारे लोग बेचारे इतना खज्जल होवा दे राशन दिख लो दो किलो राशन लेके काला मूँह करना है क्यों करना काला मूँह है नहीं लैना चाहिए राशन बीजेपी को इन्हें सानू लोगों खज्जल किया है। मैं तो बार बार आखना चाहना मैंने सलूर कास है एक बार नंबर 4 तो उठी जा रहा लेकिन मुझे जल्द पता लगा इन्हें साढ़े सरपंच साहब ने मीटिंग रखाई मैं क्या सरपंच साहब मैं जाना थोड़े कन्नै मैं अपने बरादरी लोगों आखना चाहना
एक कट्ठे ही हो कांग्रेस पार्टी के जुड़ो। ये जरा बीजेपी का प्रेम नाल डोगरा रहिए जां कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट होई गया जां कोई जरा अज नीले काले पीले पजामे कुर्ते भाई दविंदर राणा अरविंदर राणा ये कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जुड़ो, राहुल गांधी के जुड़ो, प्रियंका गांधी के जुड़ो, मैडम सोनिया गांधी के जुड़ो और साले डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बकार फूल बानी साहब इन्हें के जुड़ो और पंकज डोगरा के जुड़ो जेडे अच कांग्रेस पार्टी कठुए च कांग्रेस पार्टी अगर कुछ ने मजबूत की है वह पंकज डोगरा ने की है। मैं तुम्हें सारे आखना चाहना छड़ी उड़ो बीजेपी कख नहीं है बीजेपी अज बीजेपी का मूँह काला किया है और कर्नाटका च कांग्रेस पार्टी ने किया है और कुछ नहीं किया। और अगर इनके माँ के लाल जी ने दम आए हैं तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी अज भी मजबूत है और अगर इनके दम आए हैं तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन क्यों नहीं कराते इनके प्योले राज है क्यों नहीं कराते इलेक्शन कराने ज्यादा। और मैं तुम सारे आखना चाहना पंकज डोगरा का आशीर्वाद ज्यादा बाकी परवाह नहीं करते कुछ साथी जिंदा ना नहीं मैं ले सकता होगा या नहीं आया तो माफ करना। बाकी गल यह है कि अज ये जी मीटिंग होवा करती है एक खुशी के मौके पर होवा करती है। साढ़े जेडे एस सी के चेयरमैन ने श्री योगराज जी जेडे ने शुरुआत करा करते हैं कि कर्नाटक की जी एड्डी वड्डी जित हुई है तो उसकी खुशी बच्चे जी है अज इन्हें सारे की बुलाए दा और अपनी सीनियर लीडरशिप की और अपने ग्रां दे जिन्ने भी सारे ने इत्थे इकट्ठे होए हो और सारे कोला पहलें ते मैं मुबारक दिना उन्हें कर्नाटक दे लोकें की जिन्हें बीजेपी दा सुपड़ा साफ किया और एक इन्हें की दिना और उन्दे कन्ने कन्ने तुसे सारे ही आज दी इस मीटिंग दे विच उपस्थित डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट पंकज डोगरा जी एस सी मोर्चा के साढ़े एस विंग के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट योगराज जी एक यही ग्रां हाँ साढ़ा कांग्रेस का जो गढ़ होंदा रहा लोगों देना चाहते हैं भी जो लोग जिंद मन च कांग्रेस बसी दी और जिन्हें कांग्रेस आस्ते बड़ी मेहनत की और खासकर इस इलाके ने हमेशा गै कांग्रेस कन्नै स्टैंड लिया और असें शुरुआत की है जी जित है कि असें ग्रां ग्रां म्हल्ले म्हल्ले जाइए मनानी है। सानू पार्टी का भी आदेश है और उस आदेश के कन्नै कन्नै आने वाले दिनों च मुंसिपल चुनाव होने पंचायत चुनाव होने उसकी भी ये प्रक्रिया असें बेदमाजन की शुरू की है। अपने जिन्हें भी साथी निशेषी जी सारे आखते हैं कि अपनी अपनी म्युनिसिपैलिटियों मुस्तैदी कन्नै अपनी मीटिंग लैन अपने लोगों की अवेयर कर बीजेपी का जो इस मुद्दे चला दे साढ़े जो कोई टोल माफिया है खनन माफिया है शराब माफिया या जो भू माफिया जिन्हें जम्मू कश्मीर की बेचने लाए सा स्टेट रोड छिनया गया साढ़िया नौकरियां जा दी साढ़े इससे रोजगार नहीं हैं और सारी चीज़ें अस करके तो कल को इलेक्शन की बारी आओ तो अस गल कराई सकते और इं गै 21 तरीक जो तुम्हें पता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी अपना शहादत दिवस है और उसी पंचायती दिवस के रूप में भी अस मनाने और उसके आस्ते भी एक बड़ा प्रोग्राम साढ़ा जम्मू हो जे इंचार्ज मैडम रजनी पाटिल जी ने आना बकार सूल बाणी जी ने उत्थे होना और बाकी सारी तमाम लीडरशिप उत्थे होनी है उसके आस्ते भी न्योता है और जिन्हें भी साढ़े इतने लीडर ने खासकर क्योंकि कठुआ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सर हूँ रिजर्व हो चुकी है और बड़े सारे साथी जो पुराने सीनियर साथी और मेहनत भी करा देन और काम काज भी अपने इलाके करा देन और असं इन्हें भी आखे भी तुम अगर चलो अपने इलाके चाहते हैं कि कांग्रेस की जी नींव है कांग्रेस की मजबूती करना है सारे लोग अस मिलिए मेहनत करते और सीटा सारिया छे विधानसभा की सीटा साढ़े इतने आदि अस छे सीटा साड़ी कोशिश रोक कि स्थानीय मुद्दे जो अफेक्ट हो रहे जिसे कन्नै सानू नुकसान होआ दा जियां योगराज होरें आखिया कि बाहरां दे लोकां दे बोर्ड बना दे साड़ी नौकरी जा दी फैक्टरी साढ़े कोई लोग नहीं लगे तमाम मुद्दे असें अग्गे करने न और असें इस्सै कड़ी च कांग्रेस मजबूत करनी है और अज्ज इह विशेष रूप च इस्सै सनेह कन्नै बेदमाजन जी आए दे कि पंचायतां कियां सशक्त करनियां म्युनिसिपैलिटी चुनाव कियां असें तैयारी करनी और 21 तरीक की गल करनी है शशि होर ने सारे और मैं अपने जिन्हें भी साथी ने पवन जी नरेंद्र जी परमजीत जी और नीटू जी मैंने सिर्फ आगा कि दो दो मिनट आस्ते अपने विचार रखने थोड़ा ज्यादा ठीक है जी। सारे प्रोग्राम थे सर आज यहाँ कठुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ तो यहाँ तक कि हमारे जो एस सी सेल के चेयरमैन योगराज जी इन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट सदर की सरपरस्ती में इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। कर्नाटक में हाल ही में जीत हुई है कितना बूस्ट मिलेगा कांग्रेस को सर इससे कितना बूस्ट मिलेगा इससे जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में उनको पूरा बूस्ट मिला है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज आप उनके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो गया। इतने खुश हैं हमारे लोग और आप देखेंगे कि 2024 में
इसका रिजल्ट और आने वाले जो पहले चुनाव है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दूसरी स्टेटों में, इसका रिजल्ट आपको वहाँ भी मिले। तो क्या लगता है चुनाव क्यों नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर में, आप टल सकते हैं इसको देखते हुए? मुझे लगता है कि जो हिमाचल में हुआ था पहले और ये जो कर्नाटक में हुआ है, हमें अब ये उम्मीद कम ही है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्या डर भी लगता है इस सरकार? मैं यही समझता हूँ। तो G20 को किस तरह देखते हैं? G20 जो उनका मकसद है वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना, मतलब यहाँ पे पीसफुल यहाँ पे माहौल है, जबकि आप और ये अपने गवर्नर साहब भी ये हमेशा कहते हैं कि जब से हमने 370 को तोड़ा है यहाँ माहौल ही बदल गया है। लेकिन कितना माहौल बनता है, चूँकि हम लोग लोकल हैं तो डे टू डे यहाँ पे कितनी किलिंग होती हैं ये सारा कुछ आप देखते हैं। रजौरी पुंछ में क्या हो रहा है वो सारा मीडिया के लोग हैं आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है उनका मकसद दूसरा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ऐसी बात नहीं, ये G20 वालों को सिर्फ ये दिखाना चाहिए। देखने में आ रहा कि भाजपा के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार द कैरल स्टोरी जो है उसको सिनेमाघरों में लगाने की बात कर रहे हैं, क्या देखते हैं इस पर राजनीति की जा रही है? नहीं, राजनीति तो इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका क्लियर कट या अपेक्स कोर्ट ने एक चीज़ का निर्णय दे दिया है, तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद किसी को कोई अधिकार है कि वो उसके ऊपर कोई टिप्पणी भी करे। तो इस मंच से आवाम के लिए क्या संदेश रहेगा कांग्रेस की तरफ से? हमारा यही संदेश है कि कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस को घर घर पे ले जाएं और म्यूनसिपैलिटी के, टाउन एरिया कमेटी के और ये कॉरपोरेशन के जो चुनाव पंचायतों के होने वाले हैं उसमें सब साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी मेहनत करें, क्योंकि हमने ये आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं वो हमने जीतने हैं।